आपको उग्र क्यों समझता प्रशासन, क्या कारण है? ये समझते हैं कि ये भीम आर्मी के लोग, उनका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, अपने सम्मान के लिए अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं। भीम आर्मी लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ क्या क्या लिखा गया। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय आलापुर अम्बिकर, विषय प्रार्थना पत्र वास्ते अरुण कुमार हत्या के मामले में ज्ञापन दिए जाने के संबंध में, महोदय निवेदन है कि यह भारतीय भीम आर्मी विधानसभा आलापुर अम्बेडकर नगर का स्थायी निवासी है। भारतीय अरुण कुमार हत्या के मामले को लेकर के श्रीमान जी के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता अरुण कुमार के हत्या के मामले में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है, नहीं विपक्षी गण के विरुद्ध की विविध कार्रवाई की जा रही है तथा अभी तक विपक्षियों में केवल 2-3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, बाकी और लोगों को मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को लेकर के हीला हवाली किया जा रही है और मृतक अरुण कुमार के परिवार को डराया धमकाया जा रहा है कि मामले में कुछ ले दे करके खुला समझौता कर लो। और जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर के द्वारा तथा तहसील आलापुर की उप जिला अधिकारी महोदय आलापुर के द्वारा स्थल पर जाकर आश्वासन दिया गया था कि मृतक परिवार के को आर्थिक सहयोग के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्षीगढ़ को तत्काल गिरफ्तारी किया जाए जाना आवश्यक है और न्याय संगत है। हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है कि अरुण कुमार के हत्यारे को मामलों को जितने अभियुक्त के नाम लोगों को तत्काल गिरफ्तारी की जाए जो अभियुक्त है उसमें, और दूसरा है कि मृतक परिवार को कृषि योग्य भूमि 1.5 बीघा उपलब्ध करवाई जाए जो शासन SDM महोदय के द्वारा दिया गया था वहाँ, और फिर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय आलापुर के द्वारा जो आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया गया था उसको तत्काल दिलवाया जाए। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 नौकरी का आश्वासन दिया गया था जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण को देखते हुए बीपीएससी गढ़ को तत्काल गिरफ्तारी किए जाने का आदेश देने की कृपा करें। और नोट, हमारी निम्नलिखित मांगे यह है कि एक सप्ताह के अंदर अगर पूरे लोगों को गिरफ्तारी नहीं की गई तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग आंदोलन करने के बाद होंगे और ये जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग होंगे। जी जी बिल्कुल सही है। माता जी खड़ी हो जाए। दो महीने को समय दिया गया प्रशासन को, अगर प्रशासन एक हफ्ता के अंदर गिरफ्तारी नहीं करती है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग जन आंदोलन करेंगे जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग होंगे, क्योंकि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आए थे 28 तारीख को और उन्होंने उस दिन वहां पे कहा था, सीओ साहब से बात भी हुई थी, तो सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए अगर उनको एक सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 8 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन फिर बाद में डीएम महोदया के द्वारा फोन किया गया जिला अध्यक्ष के पास और पीड़िता परिवार के पास और सीओ साहब के द्वारा उनको बुला करके फिर 3 दिन का समय लिया गया कि 3 दिन में हम गिरफ्तारी करवा लेंगे, तब भी नहीं हुआ। लगभग 38 दिन आज हो गए हैं उनकी हत्या हुई, केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें 7 लोग थे, 7 में से 4 लोग अभी लापता, उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं एक बार कि आप लोग जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करवा के उनको जेल भेजा जाए और इसके बाद जो मांग है जो आप एसडीएम मोदिका के द्वारा सीओ साहब के द्वारा जो कहा गया था मौखिक रूप से उस मांग को पूरा किया जाए एक सप्ताह के अंदर और नहीं तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी। और एक चीज और बता दूं, इसके कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहन के साथ रेप हुआ था, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को न्याय दिलाने के लिए यहीं पे आंदोलन की थी उनको न्याय दिलाने के लिए, तो ऐसा ना कुछ हो कि जिससे दिक्कत हो, ठीक है। बाकी इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विदा, ये प्रशासन को धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था तो निवेदन ऐसा दोबारा ना होने पाए क्योंकि हमारी मांगे पूरी हो जाए। ये आपको जमीन और मुआवजा और नौकरी का बात कौन कह के ऐसा कर रहा है? जमीन दिया जाएगा और बाकी उनको 25 लाख संभवता मदद दिया जाएगा। नौकरी कहाँ दी जाएगी? नौकरी दो नगर पंचायत में उनको नौकरी दो दिया जाएगा उनके परिवार के 2 सदस्यों। ये एसडीएम का कथन था? हाँ, ये कहा गया मौखिक रूप से कहा गया था। अच्छा, आप इसमें बुला के कहा गया जी था? सर, ये सारी मांगे थी तो निवेदन है कि आप लोग मांगे पूरी करते जिससे हम लोग, क्योंकि हमारा परिवार है भीम आर्मी का पदाधिकारिता है, वैसे हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, कोई शोषण किसी के ऊपर शोषण अत्याचार गरीब असहाय मजदूर के ऊपर होता है भीम आर्मी खरीदे थे। अभी कितने नामजदों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? केवल 3 लोगों का हुआ है, 4 लोग अभी शेष बाकी है। उसी दिन कोई गिरफ्तारी, इसके बाद कोई नहीं हुआ। फोन के मैं सीओ साहब से बात किया, सीओ साहब कह रहे हो जाएगा 2-3 दिन में, आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, सीओ साहब एक दिन पे होंगे। बात हुई तो सीओ साहब कहें कार्य प्रगति पे है, हम लोग लगे हुए हैं, प्रशासन लगी हुई है, लेकिन प्रशासन 38 दिन हो गया, प्रशासन क्या कर रही है? कोई दूसरा मामला होता हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता को जब लाठी मारा जाता तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तुरंत जेल भेज दिया जाता है। इसका मतलब सरकार जो प्रशासन के लोग हैं हीलावाली कर रहे हैं, हो सकता है शासन प्रशासन का दबाव हो पड़ते। प्रशासन आपको ऊपर क्यों समझता है भाई? जितने लोग आ पाए उससे ज्यादा पुलिस व्यवस्था यहाँ पे है, 3 थाना क्षेत्र है, सीओ है, सब लोग अपना थाना छोड़ के आपके सुरक्षा में या फिर आपसे लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, आपको उग्र क्यों समझता है प्रशासन? क्या कारण है? ये समझते हैं कि भीम आर्मी के लोग उनका डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, अपने सम्मान के लिए अधिकार के लिए कुछ भी कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब बहुत उपयोग नहीं हो रहा है, हमारा क्या होगा?